स्कूल से आते ही देखो भाई इनके हाल, लड़ने लग गए। अबे कपड़े तो चेंज कर लो अपने। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस रात के 1 बजने वाले हैं और मेरे साथ में जो भी हुआ है ना, मतलब मैं सो रहा था और मेरे बेड के ऊपर पूरे कीड़े कीड़े, मैं सोया हूँ कीड़ों के ऊपर सोया हूँ, पता नहीं कहाँ से आए कीड़े, पूरे रूम में कीड़े भर गए, मेरे कपड़ों के अंदर भी कीड़े चले गए थे पूरे, मैंने अभी कपड़े झाड़े अभी अपने और मैं एकदम से उठ गया। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, इतने सारे कीड़े पूरे रूम में भर चुके हैं, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। ये देखो गाइस मेरे बेड पे कितने सारे कीड़े हैं, ये देखो मैं इनके ऊपर सोया था लिटरली, तो मेरा पूरा बेड भरा हुआ है कीड़ों से, पूरा नीचे से ऊपर तक, और नीचे देखो यहाँ भी, और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है भाई, ये देखो इतने सारे, और इस साइड भी देखो कितने सारे हैं, ये देखो भाई पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं ये, और ये देखो कुछ यहाँ पे मर भी गए हैं। गाइज मेरे को फील हुआ कि मेरे कान के अंदर कुछ चल रहा है, फिर एकदम से मेरी नींद खुली और मैंने जल्दी से झाड़ा, जल्दी से निकाला तो वो निकल गया था। तो फिर मैंने एकदम से लाइट ऑन करी और देखा कि भाई मेरे बेड में पूरे कीड़े कीड़े, पूरे मेरे अंदर पूरे कीड़े गए हुए, पूरे कच्छे के अंदर भी कीड़े गए हुए, मैंने पूरा झाड़ा है, अभी झाड़ू लगाना पड़ेगा मुझे, हटाने पड़ेंगे झाड़ू से सारे। देखो ये वाले कीड़े हैं गाइज, ये हैं देखो, ये देखो ये पंख है इसका, ये पंख टूट जाते हैं इसके, तो झाड़ू तो मैं ले आया, अब इनको साफ करते हैं, नहीं पहले इनको झाड़ लेता हूँ मैं। मम्मी कीड़े आ गए यार पूरे, काटते हैं ये हैं, चुटकू नहीं हो, काट रहे हैं, हाँ काट, हाँ। कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, पास चचा के कमरों में बाहर कितने दिन आ गए, क्यों आ रहे हैं ऐसे, क्यों आ रहे हैं, क्या पता दिमाग है ये। एक उड़ के मेरे मुंह के अंदर घुस गया, गले में फील हो रहा है अजीब सा, पास से दिखाता हूँ आपको, देखो ये कितने खतरनाक लग रहे हैं ना, ये देखो गाइज मैंने अभी यहाँ पे साफ किया था, फिर से आ गए देखो, ये तो फिर से आए जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं गाइज, अगर आपको पता है तो कमेंट कर बताना। मम्मी तो कह रही है कि ये टर्माइट है, आज मुझे लग रहा है कि मैं रात भर झाड़ू ही लगाता रहूंगा, अब तो बस एक ही ऑप्शन है, पंखा तेज करता हूँ और ओढ़ के सुझाता हूँ, क्योंकि ये तो आए जा रहे हैं भाई, खत्म ही नहीं हो रहे, तो आपको मैं बताना इसका क्या इलाज है, अगर आपको पता है तो क्या इलाज है। पंखे की स्पीड फुल कर दी है मैंने, गईज रात के 2 बज चुके हैं, मुझे फिर से उठना पड़ा बिकॉज फिर से आए कीड़े, फिर से मेरे मुंह पे चल रहे थे, एकदम से नींद खुल गई मेरी। ये देखो बेड पे तकिया पे सब जगह फिर से आ गए, ये देखो ये रे यार, यहाँ देखता हूँ यहाँ भी आ गए, और उठाओ झाड़ू फिर से लग जाओ भाई, ले भाई झाड़ू भी टूट गया। गईज सुबह के 5 बज चुके हैं, फिर से कीड़ों ने उठा दिया मुझे, फिर से कान में चले गया, ये देखो इतने सारे कीड़े फिर से आ गए, फिर साफ कर रहा हूँ गाइस। तो भी गाइस पापा जी भी उठ गए हैं, तो मैं जा रहा हूँ दूसरे रूम में, अब मैं सो ही नहीं पाया आज, तो अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं, अब फिलहाल उठ गया हूँ मैं, अब चलते हैं बाहर। गाइस यहाँ पे चल रहा है ब्रेकफास्ट और साथ में देख रहे हैं ब्लॉग, तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, आज बनाए चीला, किस चीज़ का मम्मी है, क्या बना, किस चीज़ का है, दाल और बेसन, दाल और बेसन का, तो हेल्दी हेल्दी होता है। बाकी पीयूष को ना ले गए स्कूल, कीड़ों का कुछ करो यार मम्मी, रात भर सो नहीं पाया मैं, वो तो कह रही हूँ तेरे को दवाई लाओ ना डालने को, बेटा रात को 3 बार उठाऊ मैं, बेटा तेरे कमरे में कर आए, यहाँ रोज आ रहे हैं, ये कैसे सो रहे होंगे बता, मैं तो कब से कह रही हूँ दवाई लाओ दवाई डालो, रात को मैं 1 बजे बाहर आई, मैं भी यहाँ खड़ा हुआ ठहरा, मैंने कहा क्या कर रहा हुआ खड़ा, कहते मम्मी झाड़ू कहाँ है, कल तो खतरनाक सीन हो गया था, तो भाई पीयूष कुनाली आ गया स्कूल से, स्कूल से आते ही देखो भाई इनके हाल, लड़ने लग गए। अबे कपड़े तो चेंज कर लो अपने, तो गाइस अब हम जा रहे हैं मार्केट पीयूष के लिए कुछ कपड़े लेने, क्योंकि हम कल हमको निकलना है कहीं पे, और मैंने मार्केट का नाम लिया, देखो चाची भी रेडी हो रही है, मम्मी भी रेडी हो, सब मार्केट का नाम लेते ही। गाइस बाहर तो बारिश हो रही है बहुत तेज, जल्दी पीछे जाओ, जल्दी पीछे जाओ, ये क्या क्या कर रहे, बारिश में निकल गए हम, मम्मी पीयूष कुनाली चाची, गाइस ये देखो मार्केट में बिल्कुल बारिश नहीं है, पूरा सूखा पड़ा हुआ है यहाँ पे, देखो मैंने बोला था ना मम्मी एक बूंद बारिश नहीं है, एक बूंद भी बारिश नहीं है। तो अभी गाइस मॉल में आ गए शॉपिंग के लिए, अबे ये क्या कर रहा है, अबे क्या मांगा लोगे भाई, लेट क्यों रहे यहाँ पे भाई, तू इसको बाहर छोड़ के आ भाई, एक हाथ आप पकड़ो, एक हाथ आप पकड़ो इसका, ये स्प्रिंग की तरह उछल रहा है,
कुनाली क्या कर रहे हो यार? कुनाली इसको मैं पकड़ के बंद करके आता हूँ। कुनाली झाड़ू मारने आओ यहाँ पे। हैं? मेरे को पैसे चाहिए काम करके। गई शॉपिंग हो चुकी है और आज जो कुनाली ने किया है ना भाई, कुनाली को आज के बाद कभी भी हम मॉल नहीं लेके आएंगे। गई कुनाली का आज लास्ट डे था मॉल में, आज के बाद नो मॉल। ठीक है, कुनाली वन लाऊंगी माँ से और के साथ तो कभी नहीं आऊंगी। सोसाइटी पहुंच गए और यहाँ बारिश हो रही है बीबी। गाइस मार्केट में बिल्कुल बारिश नहीं है, यहाँ देखो भाई यहाँ बारिश है। अब जा रहे हैं नए घर काम देखने के लिए, आज भी काम बंद है हमारा बारिश की वजह से। हमारी ये वाली दीवार कंप्लीट हो चुकी है और ये कोई ईंट की दीवार नहीं गाइस, देखो पूरा आरसीसी है, सरिया और सीमेंट है, पूरा ईंट की दीवार नहीं है, बहुत स्ट्रांग दीवार है ये। तो हमने पूरा पूरा नीचे से ऊपर तक यही बनवाई है ताकि घर स्ट्रांग रहे हमारा। देखो यहाँ से पूरी चारों तरफ यही दीवार बन रही है, ईंट की नहीं बन रही, ईंट की इसके ऊपर बनेगी, इसके ऊपर बनेगा ईंट का घर। अभी तो मम्मी और ऊंची जाएगी दीवार, बहुत ऊंची। तो अभी हो रही है डिनर की तैयारी, पीसी रेडी रहो, कल निकलना है अपने को सुबह 4 बजे। गाइस कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं कुनाली कह रहा हूँ कि आप भी चलो, लेकिन कुनाली मना कर रहा है, कह रहा है मुझे उल्टी होएंगी। चलो ना मॉल घूमेंगे। क्या करूँगा? मॉल में गेम खिलाऊंगा आपको। क्या करूँगा? हैं? मॉल में क्या करूँगा? गेम खिलाऊंगा। क्या पसंद है आपको? गाइस मैं तो इतना बोल रहा हूँ इसको, चल चल साथ में, मजा आएगा, मस्ती करेंगे वहाँ पे, बट इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई दिल्ली जाने में। चल रहे पक्का? नहीं जाना। घर में क्या करोगे? आज आप मॉल में हरकतें क्यों कर रहे थे? ऐसी। आप मॉल में झाड़ू क्यों लगा रहे थे? मॉल में झाड़ू क्यों लगा रहे थे? ऐसी मन कर रहा था। गाइस मुझे समझ में नहीं आता ये कुनाली कैसा बच्चा है। है कुनाली आपके डर से नहीं जा रहा दिल्ली? क्यों, इतना क्यों डराते हो आप बच्चे को? क्यों डराते हो इतना? मैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ बेटा 2 घंटा पढ़ाई कर लो बस। 2 घंटा कुनाली पापा जी आपको डराते हैं आपको? क्यों डराते हैं? झूठ बोल रहा है। डिनर रेडी हो गया है, दाल रोटी सब्जी आलू। तो खाना पीना हो चुका है, फिलहाल कर रहा हूँ एडिटिंग और मम्मी कर रही है यहाँ पे अपनी मसाज। गाइस आज फिर से आए कीड़े, देखो मैंने अभी देखा यहाँ पे पीछे, देखो भाई पूरा भरा हुआ है कीड़ों से। फटाफट एडिटिंग कर, हमारे कमरे में आ जाओ। तो फिलहाल पैकिंग शुरू करता हूँ मैं। चलो भाई ये देखो यहाँ भी कीड़े। गाइस आज का ब्लॉग कीड़े ब्लॉग हो गया, अब नहीं बोलूंगा ज्यादा। पैकिंग डन, 2 दिनों के लिए जा रहा हूँ बस, तो इतने कपड़े काफी हैं। मम्मी चलना दिल्ली है? चलना दिल्ली? क्या करूँ आप बताओ। मम्मी के ना इस हाथ में बहुत दर्द हो रही है, पहले ये वाले हाथ में थी ये ठीक हो गया, अब इस वाले में होने लग गई, पता नहीं क्या है। मम्मी ने अभी तक हमारा दिल्ली वाला घर ही नहीं देखा, आपके बेटे ने दिल्ली में घर ले रखा है और मम्मी ने देखा ही नहीं अभी तक। पता नहीं आज रात को मैं सो पाऊंगा नहीं सो पाऊंगा, अगर कीड़ा है तो मैं दूसरे कमरे में भग जाऊंगा, मम्मी के कमरे में सो जाऊंगा मैं तो। चलो गाइस फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूं, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। भाई मॉल के अंदर लड़ गए, मॉल में लड़ गए जाएगा कहीं पर तो समझा, तो पीयूष को समझा पहले।